हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेशियल हेयर्स को लेकर। जी हाँ, फेशियल हेयर्स एक बहुत हमारा मेन जो है वो प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। आजकल हमें लेज़र ट्रीटमेंट, वैक्सिंग और ब्लीचिंग एंड हम लोग जो है फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड मेन मसला हम लोग को यहाँ पे आता है, जो हम लोग के अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं हमारे फेस पर, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और हम उनको रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने पास्ट में देखें, हम लोग देखें कि हम लोग के बड़े जो थे उनके फेस पर क्यों बाल नहीं थे ज़्यादा और वो क्या ट्रीटमेंट करते थे, तो वो जाहिर बात है कि वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक एंड रेमेडी, होम रेमेडीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे। एंड आजकल की खुराक जिस तरीके से प्योर नहीं होती और हम लोग को वो न्यूट्रिशंस या वो हमारी डाइट नहीं प्रॉपर होती, जिसकी वजह से हम लोग के हार्मोनल्स जो होते हैं उनका इशू हो जाता है। एंड हार्मोनल्स इनबैलेंस होते हैं तो हमारे फेस पर जो है वो अनवांटेड हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो डिस्कस करते हुए मैं एक फेस पैक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। एंड फेस पैक जो है वो बहुत ही ईजी है, होम रेमेडी, उसको हम घर के ही जो है अपने किचन में से हम सारी चीज़ें जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एंड उसको अप्लाई कर सकते हैं। वीक में हमें इसे 2 times अप्लाई करना है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा थिक बाल हैं तो वो वीक में इसको 3 times अप्लाई कर सकते हैं। ये फेस पैक ना सिर्फ हम लोग के फेशियल हेयर्स को रिमूव करेगा नेचुरली एंड ये हमें जो है हमारे स्किन को, हमारी इवन टोन जो अन इवन टोन हो जाती है उसको भी हेल्प करेगा और हम लोग के कॉम्प्लेक्शन को जो है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करेगा। सो मैं आप लोग के साथ ये रेमेडी शेयर करूँगी एंड आई होप के जो ट्रीटमेंट हम लोग अपने घर पर कर सकते हैं और इन नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ, इन नेचुरल चीज़ों के साथ, आई थिंक वो हमें वैक्सीन के साथ या हमें लेज़र के साथ वो ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल सकता। सो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी ये रेमेडी। सबसे पहले हम लोग ये रेमेडी देखते हैं, देन वी विल कम बैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, योगर्ट है, बेसन है, टर्मरिक पाउडर है और ये मसूर का दाल का पाउडर है, रॉ मिल्क है एंड हनी है। सो हम लोगों ने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने बेसन जो है वो मैं 3 tablespoons लूँगी और उसमें मैं जो 1/2 tablespoon है वो मसूर की दाल का पाउडर जो है वो मैं ऐड करूँगी, 1/2 tablespoon, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को उतना ही क्वांटिटी में जो है योगर्ट चाहिए। एक्चुअली योगर्ट और रॉ मिल्क को हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर हमें वो पेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगी तो हम मिल्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये योगर्ट में डाल रही हूँ और अब जो है मैं इसके बाद टर्मरिक की पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर जो है हमने ऐड करना है, ठीक है। ये इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर हमें कोई इन्फेक्शन या कोई रैश का इशू है तो ये उससे हम लोग को जो है वो मदद करता है, बचाता है हमारे फेस को। और अब इसके पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको रॉ मिल्क को जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ज़्यादा। सो आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस फॉर्म में लेके आनी है फेस पे, फेस पैक के लिए, ताकि इजीली हम अप्लाई करें। आई एम गोना अप्लाई, एज यू कैन सी इसमें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे किसी को कोई जो इन्फेक्शन या रिएक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। टर्मरिक पाउडर जो है वो हम लोग हीलिंग प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं, जो हमारे फेस को हर किस्म के रिएक्शन से जो हेल्प करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है और हम लोग अगर कोई एक्ने का भी इशू होता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बेसन है जो हमारी स्किन को टाइट भी करता है और साथ में हम लोग के जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। रॉ मिल्क जो है वो हम लोग को एक नेचुरली क्लिनजर के तौर पर जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये हम लोग के स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी जो है वो ब्राइटन अप करता है। इसके अलावा जो शहद है, हनी, वो हम लोग के स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करता है
और योगर्ट जो है वो वैसे ही बहुत हेल्थी है स्किन के हर किस्म के इश्यूज़ को लेकर, और इसमें जो है वो हाईली जो किस्म की होती हैं प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे स्किन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती हैं। ठीक है, तो नेचुरल इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसमें जो मसूर की दाल है वो हम लोग के हर किस्म की जो हम लोग के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है उसमें भी, और पिगमेंटेशन का किसी को प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स के बाद इसको इस तरीके से जब बिल्कुल 50% जो ड्राई हो जाएगा, हम लोगों ने इसको स्क्रब फॉर्म में जो है वो हमने मिक्स करना है और इस तरीके से हम लोगों ने उसको फेस पैक को जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैं उसको रिमूव कैसे कर रही हूँ, और इसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। इसको स्क्रबिंग फॉर्म में ही अप्लाई कर करके आप लोगों ने इसको सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। आप स्किन देख सकते हैं, जी ये तो थी रेमेडी। आपने देखी कि इसको कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, और इसको वीक में जो है वो 2 टाइम आप कर सकते हैं अगर आपके फेस पे ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स नहीं है उसके लिए, और अगर आपने अपना कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटन अप करता है तो इट्स वेरी इजी। एंड अगर किसी के चेहरे पे बहुत ही हार्ड बाल हैं जिनको वो रिमूव करना चाहते हैं सो इसको हम वीक में जो है वो 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो होम रेमेडीज हैं, इनसे ना तो हम लोग को कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, ना हमें कोई हम लोग की स्किन ख़राब हो सकती है। इसको यूज़ करें। एंड जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग एक्चुअली मैंने सिर्फ 2 टाइम्स जो है वैक्सिंग करवाई है, एंड मुझे उससे सिर्फ जो छोटे से दाने बन जाते हैं उसका मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। उसके बाद मैंने स्टॉप कर दी थी वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग हर किसी को सूट नहीं करती, और इस तरह के होम रेमेडीज़ जो हैं वो सबको जो है वो सब स्किन टाइप के लिए जो होते हैं वो सूटेबल होती हैं। इसको यूज़ करें एंड अपने जो रिव्यूज़ हैं वो मेरे साथ लास्ट में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाया करूँ सो यू कैन कमेंट बिलो। एंड यस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे पॉजिटिव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।